नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। आज इस वीडियो में मैं आपको आपके हाथ पे बनी विवाह रेखा के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि विशेषकर उन कन्या व बालकों के लिए बहुत ही विशेष है जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है और बेवजह देखने को मिल रही है विवाह में देरी। मित्रों, यह बात तो आपने बहुत बार सुनी ही होगी कि जिस व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होती है उस व्यक्ति का विवाह होकर ही रहता है, या फिर इसे ऐसा मान लीजिए कि यह रेखा व्यक्ति का विवाह अवश्य कराती ही है। अब शास्त्र प्रमाणित बात है तो झूठी तो नहीं हो सकती। तो प्रश्न यह बनता है कि विवाह रेखा होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है विवाह। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि विवाह रेखा हाथ में होने के पश्चात भी क्यों हो रहा है विवाह में विलंब। कारण बताने के साथ साथ ही विवाह से संबंधित कुछ ऐसे सटीक उपाय भी आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए बहुत जल्द बजेगी आपके घर में शहनाई। बहुत बार आपने देखा होगा कि यह रेखा किसी के हाथ में 1, किसी के हाथ में 2, 3 या फिर 4 तक भी दिखाई देती है और ऐसी स्थिति में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे हाथ में कितने विवाह के योग हैं। तो कई बार आपको एस्ट्रोलॉजर जिनको आप अपना हाथ दिखाते हैं वह लोग कन्फ्यूज कर देते हैं। किंतु मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि चाहे आपके हाथ में 1, 2, 3 या फिर 4 रेखा हो, किंतु आपको विशेष रूप से उसी रेखा को देखना होता है जो सबसे बड़ी व स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि साथ में दिखने वाली रेखाओं का फलादेश नहीं होता। साथ में दिखने वाली रेखाओं का फलादेश मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी हम इसी टॉपिक पर बने रहेंगे कि विवाह रेखा होने के बाद भी आखिर क्यों विवाह में देखने को मिल रही है देरी। तो मित्रों, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसे हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं, इसके ठीक नीचे और हृदय रेखा की ऊपर की तरफ दिखने वाली रेखा विवाह रेखा मानी जाती है। यहाँ एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड के अंदर इस रेखा को देखें वह पुरुष अपने राइट हैंड के अंदर देखे। तो आइए जानते हैं क्या है वह वजह जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है विवाह में विलंब। आपके हाथ पर जो विवाह रेखा स्पष्ट बनी हुई है वो बुध पर्वत की तरफ जाकर यू टर्न जैसी आकृति ले ले। तो ऐसे व्यक्ति को विवाह संबंधित बहुत सी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि जिनके हाथ में विवाह रेखा यू टर्न लेकर वापस पीछे की तरफ घूम जाए, इनके जीवन में रिश्ते बार बार आते हैं, फाइनल तक बात पहुंच जाती है और एकदम से बात फाइनल तक पहुंचकर खत्म हो जाती है। कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती है कि किसी भी प्रकार की बात बन ही नहीं पाती और व्यक्ति को यह समझ ही नहीं लग पाता कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। बात करें यदि दूसरी स्थिति की तो विवाह रेखा के नीचे, बीच में या ऊपर की तरफ क्रॉस का निशान बना हो, ऐसे व्यक्ति को भी विवाह संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्रॉस का चिन्ह बनने पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि विवाह होकर भी छूट जाता है। बात करें यदि मित्रों तीसरी स्थिति की तो यदि विवाह रेखा हथेली के नीचे हिस्से में चौड़ी हो और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चाकू की तरह नुकीली हो जाए, तो अक्सर देखा जाता है कि सब कुछ बढ़िया होने के पश्चात भी ऐसे व्यक्ति को विवाह संबंधी समस्याओं का करना पड़ता है सामना। नीचे से चौड़ी व ऊपर से नुकीली होने वाली विवाह रेखा के बारे में शास्त्र में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखा होती है उनका विवाह पक्का होकर, सगाई होकर उसके बाद में विवाह छूट जाता है, और अगर ऐसा ना भी हो तो विवाह बहुत ही विलंब से होता है। बात करें यदि चौथी स्थिति की तो जिन व्यक्तियों के हाथ में विवाह रेखा पतली ना होकर मोटी और फैली हुई होती है, ऐसे व्यक्तियों को भी विवाह में बेवजह देखने को मिलता है विलंब। और अंतिम स्थिति के बारे में शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की विवाह रेखा लिटिल फिंगर के बहुत ही सटी हुई होती है, यह योग भी विवाह में देरी का कारक माना जाता है। लिटिल फिंगर के बिल्कुल सटी हुई विवाह रेखा कई बार ऐसी स्थिति बना देती है कि सब कुछ बढ़िया होने के पश्चात भी व्यक्ति की उम्र 35-40 वर्ष तक चली जाती है और विवाह नहीं हो पाता। तो मित्रों, शास्त्र मत अनुसार यह है वह 5 कारण जिनकी वजह से व्यक्ति को देखने को मिलती है विवाह में देरी। तो मित्रों, यह तो बात हुई विवाह में देरी के कारणों की, आइए अब जानते हैं क्या है इनके निवारण। ऐसा क्या करें कि विवाह की सही उम्र में ही हो जाए हमारा विवाह। यदि किसी विवाह योग्य कन्या के हाथ में भी बताई गई स्थितियां देखने को मिलती है और बेवजह देखने को मिल रही है विवाह में देरी, तो मित्रों शास्त्र मत अनुसार ऐसी कन्या को वायव्य कोण में सोना चाहिए, जिसे हम हिंदी में उत्तर पश्चिम का कोना कहते हैं व इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर इसे कहा जाता है। ऐसा करने पर बहुत जल्द देखने को मिलते हैं विवाह के श्रेष्ठ परिणाम। साथ ही यदि किसी कन्या व बालक दोनों के हाथ के अंदर ही बताई गई स्थितियां देखने को मिले और बेवजह देखने को मिल रही हो विवाह में देरी, तो आपको चाहिए कि किसी भी 2 एकादशी व 2 पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर बांसुरी अर्पण करें और पंडित जी से निवेदन करें कि यह बांसुरी आप भगवान कृष्ण के हाथों में लगा दें। इसके अलावा किसी कन्या को विवाह में देरी देखने को मिल रही हो तो गुरुवार के दिन पीला भोजन करें, तो वहीं किसी बालक को विवाह में देरी देखने को मिल रही हो तो बुधवार के दिन गणपति का पूजन करें और एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट देव से यही कामना करें कि हमें श्रेष्ठ जीवन साथी बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो।
आपको अवश्य देखने को मिलेंगे बहुत शीघ्रता से श्रेष्ठ परिणाम। मित्रों, यहां मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बताई गई बातें आपके हाथ में ना हो तो भी विवाह में देरी देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ बताई गई रेखाएं हाथ में होने के पश्चात भी शीघ्र हो जाता है विवाह। इन दोनों ही स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आपकी हस्त रेखा और आपकी कुंडली दोनों की गणना करने के पश्चात ही किसी भी परिणाम के ऊपर श्रेष्ठ रूप से पहुंचा जा सकता है कि आखिर किस वजह से देखने को मिल रही है विवाह में देरी और ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से सही समय पर हो जाए हमारा विवाह। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।